हम सिर झुकाना बंद कर अब गर्दन झुकने में बड़ी तकलीफ होती, कमर झुकाना पड़े तो बात ले बात। मैंने देखा एक बहू अपनी सास को भोंक दे रही थी, तो भोंक देते देते सास के चरण छूने की बजाय घुटने छू रही थी, क्योंकि चरण छूने के लिए और ज्यादा झुकना पड़ता है, और जितना ज्यादा झुके ना तो कमर में नहीं, यहाँ की बहू की नहीं, मैं तो अमल की बहू की बात। मैंने देखा एक बहू अपनी सास को भोंक दे रही थी, ढोंक देते देते चरण छूने की बजाय घुटने छू रही थी। मुझे बड़ा ताजुब हुआ, चरण हम इसलिए छूते हैं क्योंकि चरण आचरण के प्रतीक होते हैं। संतों के चरणों का वंदन किया जाता है, संतों के चरणों का नमन किया जाता है, संतों के चरणों को स्पर्श किया जाता है, वह इसलिए कि संत के चरण में जो आचरण है हम भी उसके अधिकारी बने, संत के चरण में जो आचरण है हम भी उसके मालिक बने, संत के चरण का आचरण हमारे जीवन में भी परिलक्षित हो, इसलिए हम किसी महापुरुष के किसी पूज्य पुरुष के चरण स्पर्श करके वंदन करते हैं। लेकिन जब हम किसी बुरे आदमी के घुटने छूते हैं तो मुझे समझ में नहीं आती कि वो क्यों छुए जाते हैं। घुटनों के घुटनों में सिवाय दर्द के नहीं, नहीं वो बुरे आदमी के घुटने में सिवाय दर्द के और होता क्या है। जब कोई बहू घुटने छूके बंधन करती है धोख देती तो मुझे लगता है जैसे वो कह रही हो अम्मा जी अपने घुटने का दर्द आप दर्द चाहिए तो छुओ, लेकिन अगर आप आचरण चाहते हैं, आप जीवन में सदाचरण चाहते हैं, आप आचरण चाहते हैं सदाचरण चाहते हैं, तो आपको चरणों को छूना होगा, चरणों का वंदन करना होगा, चरणों का नमन करना, ये चरण कुछ है क्योंकि इन चरणों में आचरण होता है, जिन चरणों में आचरण होता है वही चरण पूज्य होते हैं। राम जी सीता जी बैठे हुए थे, सीता ने राम जी से कहा कि प्रभु देखो मेरे चरण कितने सुंदर है। राम जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है लेकिन मेरे चरण मेरे पैर तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। सीता ने कहा ना 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 ये गलत भ्रम मत पालो, मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। राम ने कहा रंकर 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 मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। अरे तो सीता ने कहा मेरे चरण ज्यादा सुंदर है क्योंकि मेरे चरण गोरे हैं। राम जी ने कहा क्या हुआ मेरे चरण श्याम है मगर ज्यादा सुंदर है, दोनों में विवाद हो गया। राम जी कहते मेरे पैर अच्छे हैं, सीता जी कहते मेरे पैर अच्छे हैं। उधर से लक्ष्मण आए, दोनों में विवाद चल रहा था, संवाद चल रहा था। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या हो रहा, बोले कुछ नहीं एक समस्या खड़ी हो गई तुझे इसका न्याय करना है। बोले मतलब, बोले सीता कहती है कि मेरे चरण अच्छे हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे चरण सुंदर है, आपको बता कि दोनों में से किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण ने कहा ये काम मेरा नहीं है, आप दोनों आपस में निपट लो। चरणों के साथ आचरण जुड़ा हुआ है, सदाचरण
जीवा हुआ है, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। जिन चरणों में आचरण जुड़ जाए वो चरण पूज्य होते हैं, वो चरण पूजा के योग्य होते हैं, वो चरण पूजा के पात्र होते हैं, वो चरण पूजा के अधिकारी होते हैं। उन चरण का वर्णन करना होता है, रज को लेकर के माथे पर लगा करके सौभाग्य का अनुभव करना होता है। मैं निवेदन करूँ, गुजारिश करूँ आपसे,